अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरीडे। मैंने सोचा चलें, अब रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं और एक गुड न्यूज़ है जो काफ़ी अरसे से ड्यू है। मैं काफ़ी अरसे से आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मैं काफ़ी अरसे से ये अनाउंस करना चाहती थी, इतना टाइम में नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बस कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसे प्रोफेशनल डायनामिक्स हुए कि मैं उसी वक्त अनाउंस नहीं कर सकी। उस पर भी मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने मुझे इतना, मतलब आप लोग फॉलो कर रहे हैं, माशाल्लाह इंस्टा पे भी हमारी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह। रिसेंटली ही हम लोगों ने 3000 हमारे फॉलोअर्स हैं, हमने वो थ्रेशोल्ड अचीव किया है। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरा इंस्टा हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि ये जो अनाउंसमेंट है ये हमें रमज़ान में ही करनी थी, लेकिन बस वो रमज़ान में कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से इतना अच्छा मेरी वीडियोस पे रिस्पांस आना स्टार्ट हुआ कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आया। तो ऐसा हुआ कि मैं हर वीडियो जो होती है मैं एक स्केड्यूल के हिसाब से मैं पोस्ट कर रही होती हूँ, मेरा एक रूटीन होता है, मैं उसके हिसाब से शूट करती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ, फिर मुझे पता होता है मुझे किस डेट पर क्या कॉन्टेंट दिखाना है। अब ऐसा हुआ कि वो रमज़ान में वीडियोज़ ने ऐसा परफॉर्म करना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना मैं शुक्र अदा करूँ कम है, चैनल ने इतना अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया कि फिर थोड़ा सा ना इट काइंड ऑफ क्रिएटेड अ रिपल इन माय स्केड्यूल्स। वरना ये जो गुड न्यूज़ थी मैं आपको रमज़ान में ही, रमज़ान के ही जो बाबरकत महीना है मैं उसी के अंदर ये वीडियो आप लोगों के साथ, मैं ये गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती। तैयारी मेरी कुछ भी नहीं है इस वीडियो के लिए, मैंने बस ऐसे ही कैमरा ऑन कर दिया, मैंने कहा बस मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ बात करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। माशाल्लाह यूट्यूब और इंस्टाग्राम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूं कि चलें रिसेंटली ये फैमिली में काफ़ी एक एक्सपेंशन हुई है और बहुत सारे लोग आए हैं, माशाल्लाह अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो चलें, अच्छा है जितने ज़्यादा लोग हैं उतने ज़्यादा लोगों के साथ एक मैं ये गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसी साल बहुत जल्द, बल्कि कह लें कि पूरे 7 साल हो जाएंगे, जैना माशाल्लाह अब 7 साल की होने लगी है, पूरे 7 साल बाद हमारे घर में फिर से बहुत बड़ी खुशी आ रही है। अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी एक नेमत, एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की क्या कहना है, एक तोहफा आ रहा है फिर से हमारे घर के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर। जैना को बहुत जल्द एक सिबलिंग आने वाला है, भाई या बहन आने वाला है। कुछ लोगों ने गैस भी करना स्टार्ट कर दिया था चैनल के ऊपर, लेकिन मैंने कहा कि चलें इट्स टू अर्ली कि मैं डिस्क्लोज करूं, मैंने कहा मैं एक साथ ही अनाउंस कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी ज़िंदगी के, अब देखिए अब ऐसा है कि वो यूट्यूब बिल्कुल मैंने कहा ना एक फैमिली की तरह हो गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ज़िंदगी की, जैसे कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी एडवाइस की फैमिली में से, फ्रेंड्स से, सर्कल से कि ना भी करो अनाउंसमेंट तो खैर है वगैरह, लेकिन नहीं, आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस। अब एक सिलसिला शुरू किया है और एक माशाल्लाह कम्युनिटी बनी है, लोग साथ जुड़े हैं, तो अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी तो मैं नहीं छुपा सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। राइट अभी नहीं है, अभी कुछ महीने हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ बातें हैं वो छुप छुपाई नहीं जा सकती। तो मैंने कहा ठीक है, इससे पहले लोग खुद पिन पॉइंट करना स्टार्ट करें, बोलना स्टार्ट करें कमेंट सेक्शन के अंदर, और जाहिर है फिर वो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट भी लोगों में आता है कि आप अपनी लाइफ की सारी अपडेट्स दे रही होती हैं, आपने इतनी बड़ी अपडेट हमसे छुपा ली। तो मैंने कहा कि नहीं, इससे पहले विजिबल होना स्टार्ट हो, मैं खुद आप लोगों से अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी मैं आपसे शेयर करूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी राइट अवे नहीं है, अभी काफ़ी महीने हैं, अभी काफ़ी टाइम है, और हो सकता है कि आगे का जो मेरा कंटेंट है वो, जाहिर है अब ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई है, आने वाली है, तो मैं कंटेंट भी जाहिर है अब उसी के अराउंड ही ज़्यादातर रिवॉल्व किया करेगा, ताकि रिवॉल्व किया करेगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसीज वगैरह में काफ़ी हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। मेरी पिछले काफ़ी महीने से ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो चुकी है। मैं थोड़े से चैलेंजेस भी बताऊँगी, थोड़ी सी पॉजिटिविटीज़ भी शेयर करूँगी इस वीडियो के थ्रू। कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा तवील ना हो, ये वीडियो शॉर्ट सी ही रखेंगे। पहले तो ये बताएं कि घर वालों का रिएक्शन क्या था। माशाल्लाह मेरी साइड ऑफ़ द फैमिली, इब्राहिम साइड ऑफ़ द फैमिली बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने बहुत, अभी मैं पाकिस्तान भी गई थी, यूएसए की ट्रिप अभी हमारी रह गई, यूएसए तो अभी मैं गई नहीं अपनी मदर इन लॉ से मिलने, सब खुश थे। मेरी अम्मी, इब्राहिम की अम्मी, सब बहुत खुश हैं और हर कोई जैसे इंतज़ार में ही बैठा हुआ था, क्योंकि माशाल्लाह ज़ैना काफ़ी बड़ी हो गई है, अब इस साल अगस्त में ज़ैना 7 ईयर्स की हो जाएगी, तो काफ़ी माशाल्लाह एक बड़ा वक्फा आ गया है। तो मैं और इब्राहिम बहुत ज़्यादा खुश तो हैं, बहुत ज़्यादा, बस ये है कि थोड़े से एंशियस भी हैं, थोड़ा डरे हुए भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा, मतलब एक फ़ैसला होता है, ये बहुत बड़ा एक चेंज होता है,
और स्पेशली जब एक न्यू फैमिली मेंबर लाइफ में ऐड होता है तो वो एक काइंड ऑफ आपकी लाइफ का जो रूटीन और सब कुछ होता है ना, तो फिर वो एक रीडिफाइन होता है, आपकी लाइफ री इंजीनियर्ड होती है. तो हम खुश भी बहुत हैं, थोड़ा सा हम एंक्शियस भी हैं, थोड़ा सा डरे हुए भी हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि देखिए अगर हम पाकिस्तान में होते सो यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय योर लव्ड वंस, आपके घर वाले, यू हैव डोमेस्टिक हेल्प ओवर देयर, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यू आर ऑल अलोन. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और इब्राहिम अल्लाह ताला के इतने ब्लेस्ड लोगों में से हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि आपको पता है कि एक तो मेरा भाई यहीं टोरंटो में ही रहता है और वो हर दूसरे दिन मेरे पास आता रहता है, मेरी खैर खैरियत, इब्राहिम की खैर खैरियत, जैना का ख्याल रखने वो अक्सर आ जाता है हमारे पास. सेकेंडली इब्राहिम की जो फैमिली है वो ज़्यादातर, मैंने आपको बताया ना, ज़्यादातर स्टेट्स में ही रहते हैं, यूएसए में ही रहते हैं, तो यूएसए कनाडा तो आपको पता है पास पास ही हैं, एक ही बॉर्डर है, शिकागो में हैं सारे उनके भाई बहन. तो हमारे पास जो हेल्प है, स्पेशली हमारे जितने भी फ्रेंड्स के सर्कल है, हमारा एक छोटा सर्कल है लेकिन माशाल्लाह जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स वगैरह वो एक फैमिली की तरह ही हैं. तो सब ने, मेरी फ्रेंड आयशा ने, अनम ने, सब ने बहुत मतलब कहा है कि सबा तुम फिक्र मत करना, हम आ जाएंगे तुम्हारे पास. मेरी सिस्टर इन लॉ है, इब्राहिम की सबसे बड़ी सिस्टर है, उन्होंने भी ऑफर किया है कि इंशाल्लाह डिलीवरी के टाइम वो भी इधर आ जाएंगी. लास्ट ईयर से हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यह है कि आपको पता है वीज़ा इटसेल्फ काफ़ी एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, तो वो टाइम लगता है. तो मेरी अम्मी अबू का अभी तक वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है और हम लोग थोड़ा कांटेक्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं मेरे भाई ने उनको कि मेरी सिस्टर एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो अगर कुछ मेरी मदर का स्पेशली वीज़ा का कुछ हो सके, अम्मी आ जाएंगी तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ऑफकोर्स एक ऐसा टाइम होता है कि सबसे ज़्यादा आपको अपनी अम्मी की ही याद आती है. और जैना के टाइम तो ऐसा था कि मैं काफ़ी अर्सा अम्मी के पास ही चली गई थी अपने पेरेंट्स को, मेरा ससुराल, क्योंकि जैना को मैं कराची में ही मैंने डिलीवर किया था, तो एक बहुत ब्लेसिंग कराची में भी ये थी कि मेरा ससुराल और मेरा जो मैका था वो बहुत पास पास ही था, एक दो किलोमीटर की रेडियस पर ही था. तो कभी मैं कुछ भी होता था या मैं बीमार हुई या कुछ भी, मैं तो मैं अम्मी के पास ही चली जाया करती थी, अम्मी अबू के घर पे चली जाया करती थी. सेकेंडली जैना के टाइम पे माशाल्लाह मदर इन लॉ और हम सब साथ रहते थे, तो मैं हमेशा से अपनी मदर इन लॉ को बहुत बड़ा क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का कि जैना को ना हाफ हाफ पाला है, हाफ मैंने पाला है, हाफ उन्होंने पाला है, मेरी मदर इन लॉ ने. तो मेरी लाइफ उस वक्त काफ़ी थोड़ी आसान, मैं कहूँगी कुछ आसानियाँ थी उस वक्त के, मामा साथ थी, मेरी अम्मी पास थी, मेरे भाई बहन पास थे. तो जैना का जो एक बच्चे का बड़े जो क्रूशल क्रिटिकल ईयर्स होते हैं शुरू के 2-3 साल, जिसमें थोड़ा बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन, माँ की ज़रूरत होती है ना, तो वो साल में काफ़ी सारी हेल्प मेरे पास अवेलेबल थी, इब्राहिम की मदर, मेरे पेरेंट्स, सब कुछ ना. तो माशाल्लाह वो जो टाइम था ना वो निकल गया, अच्छा ही निकल गया माशाल्लाह बहुत. तो अभी थोड़ा सा हम लोग ये थोड़ा सा डरे हुए कि अब कोई हेल्प नहीं है हमारे पास, हम अकेले हैं. यहाँ बाहर मुल्क में ना सबसे बड़ा चैलेंज ही लोगों को बच्चों से रिलेटेड लगता है, बच्चों को रेस करना लगता है. और तो देखिए यहाँ पर भी एवेन्यूज हैं, आप अगर चाहें तो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन देखिए प्रोफेशनल हेल्प ऑफ कोर्स काफ़ी कॉस्टली होती है. और मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ कि देखें बच्चा अगर अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों में जो प्यार उसको मिल रहा होता है, वो फिर बाहर तो नहीं आपको उस लेवल का केयर और प्यार आपको मिलेगा. लेकिन मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, अल्लाह ताला पे मेरा एक बहुत एक ईमान है मेरा इस चीज़ के ऊपर, कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे मैनेज करेंगे, तो मेरा एक बहुत इस चीज़ पे ईमान है कि अल्लाह ताला वक्त ऐसा आपके ऊपर लाने से पहले ही उसके वसाइल आपकी ज़िंदगी में पहले वो आपको दे देता है अल्लाह ताला. तो अल्लाह ताला कोई ना कोई मदद हमारी ज़रूर फरमा देंगे, और सबसे बड़ी मदद तो इंसान अपनी खुद ही करता है. अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स हेल्प ऑफर कर रहे हैं कि हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे. बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ या वो जहमत ना देनी पड़े. शुरू का कुछ टाइम होता है, अगर मेरी मदर नहीं आ सकी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम होगा, और अल्लाह करे, मैंने रमज़ान में बड़ी दुआ करी है कि मेरी अम्मी अबू का वीज़ा हो जाए या कोई मेरी बहनों में से कोई आ जाए मेरे पास. वरना चलिए इब्राहिम की सिस्टर तो आ ही रही हैं, लेकिन ऑफकोर्स सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं, हर कोई बहुत लंबा अरसा तो नहीं रह सकेगा. तो बस ये है छोटी सी हमारी लाइफ की एक अपडेट. अभी तक हमने बेबी की कोई भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, हम लोगों ने कुछ भी ना कोई ख़रीदारी की है, क्योंकि
यूएसएस में जितनी भी इब्राहिम की सिस्टर्स और मदर इतनी खुश हैं माशाल्लाह इस खुशखबरी से, सबने कहा कि नहीं पहले सबा तुम इधर आओ हमारे पास आओ हम करेंगे शॉपिंग ना। तो अभी शॉपिंग वगैरह इंशाल्लाह मैं आपके साथ सब शेयर करूंगी, अगर मैं यूएसए चली गई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मैं बताऊंगी कि बेबी की हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, हम किस तरीके से बेबी का यहाँ पर हम सेटअप वगैरह सारी नर्सरी। तो प्रॉपर एक अलग तो रूम नहीं है हमारे पास नर्सरी के लिए क्योंकि घर में दो ही कमरे हैं एक्स्ट्रा, उसमें एक ने इब्राहिम ने अपनी स्टडी बनाई हुई है और एक जैना का रूम है, तो ऑफकोर्स मैं जैना का रूम तो नहीं ले सकती। हमारा अपना बेडरूम बहुत माशाल्लाह बड़ा है स्पेशियस है, तो उसी का ही मैं एक पोर्शन हम बेबी की नर्सरी और जैसे कॉट और जो भी बेबी का होता है हम लोग वो रख लेंगे। तो ये बस एक छोटी सी अपडेट है। हाँ एक और अपडेट मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में दे दूँ, एक अच्छी अपडेट ये है कि मेरा यूएसए का वीज़ा आ चुका है और माशाल्लाह पूरे 3 साल बाद, और हर कोई मुझसे यही कहता है, इब्राहिम भी यही कह रहे थे मेरे ससुराल के, सवा तुमने बड़ा सब्र किया है। अब क्या करें, कभी कभी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सब्र करने के अलावा। इब्राहिम और सब मेरी सब इब्राहिम की सिस्टर तो कह रही थी कि तुमने कितनी ट्रिप्स जो हैं तुम यहाँ अकेली रही हो कनाडा में, और इब्राहिम चले जाया करते थे, जैना चली जाया करती थी, मैं अकेली रहा करती थी। लेकिन चलिए मैं कह रही हूँ ना कि कोई ऐसा वक्त आता है ना तो वो एक तो वसाइल पहले से आ जाते हैं और अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी दे देता है उस वक्त के अंदर, हौसला भी अल्लाह ही देता है आपको उस वक्त से उन चीज़ों से डील करने के लिए। अच्छा मेरी हेल्थ कंडीशन पर अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो मैं ये बताऊँ कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में माशाल्लाह मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने माशाल्लाह सारे रोज़े रखे। एक रोज़ा मेरा कज़ा हो गया क्योंकि मुझे लैब जाना था, तो लैब वालों ने कहा था कि आप जो है रोज़ा नहीं रखिएगा, तो वो मेरा एक रोज़ा कज़ा हो गया, वो रोज़ा मुझे कज़ा करना है अभी। तो मुझे देखिए रमज़ान से पहले मैं, अगर आप लोग जो बहुत शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना उनको ये बात मालूम होगी कि मैं रमज़ान से बल्कि 6-8 महीने हो गए हैं कि मैं थायराइड की मेडिकेशन पे हूँ। अच्छा थायराइड की जो मेडिसिन है ना उससे एक जो साइड इफेक्ट तो नहीं कहूँगी, आई गेस दैट वॉन्ट बी अ गुड वर्ड टू यूज़, एक इफेक्ट ही कह लें, एक तासीर कह लें उस दवाई की, कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं खाना बहुत ज़्यादा मैं खाती रहती हूँ खाना। तो रमज़ान से पहले मैं यही सोच रही थी कि शायद मैं रोज़े नहीं रख सकूंगी, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें गुंजाइश दी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो छोड़ सकती हैं। और मैंने माशाल्लाह जैना के टाइम पे ना, उस वक्त तो हम कराची में रहते थे और कराची यहाँ तो फिर भी माशाल्लाह वेदर इतना अच्छा है, कराची की तो गर्मी आपको पता है स्कॉर्चिंग हीट अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उसमें भी पूरे रोज़े जैना के टाइम पे रखे थे। तो मुझे ये था कि मैं रोज़े मिस नहीं करना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि चलें, हालांकि आपको पता है कि मेडिकली हम एग्जेम्प्टेड हैं हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि चलो तुम एक रोज़ा रख कर देख लो, अगर तुम कर सकती हो तो तुम कर लो। तो माशाल्लाह मैंने फिर एक रोज़ा रखा, और मेरे साथ पता नहीं उल्टा थोड़ा सा निज़ाम हो जाता है कि प्रेगनेंसीज के अंदर ना मैं रोज़ा जब रखती हूँ ना तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है रमज़ान के अंदर, जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चैलेंजेस जो लेडीज़ फेस कर रही होती है ना कि डिहाइड्रेशन उनको फील होती है या उनको बहुत ही सुस्ती फील होती है, मैं रोज़े में ठीक हो जाती हूँ। तो माशाल्लाह मुझे अभी भी दुख है कि मेरा एक रोज़ा क्यों कज़ा हो गया। तो माशाल्लाह रमज़ान इतने अच्छे गुजरे और मैं इतनी प्रोडक्टिव रमज़ान में रोज़े के दौरान हो जाती थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैंने रोज़ा रख लिया है। तो माशाल्लाह अच्छा बहुत अच्छी गुजर गए रमज़ान, बहुत पुरसकून गुजर गए। माशाल्लाह शायद आने वाले की बच्चे की मतलब उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इतना मेरे काम में मेरी बरकत डाल दी माशाल्लाह, इतना मेरा काम इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला यूट्यूब के ऊपर इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह, और यकीन करें इट हैपेंस जस्ट विद ब्लिंक ऑफ एन आई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर कोई मुझसे पूछ रहा है तुमने क्या किया, मैं कह रही हूँ भाई मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैं अपनी हर वीडियो पे इतनी ही मेहनत करती हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या एक्स्ट्रा है मैंने किया है उन वीडियोस के अंदर जो माशाल्लाह इतना अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, और जितना अच्छा आप यूट्यूब पे रिस्पांस देते हैं उतना अच्छा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रिस्पांस दे दिया करें, मेरी जो वीडियोस मैं इंस्टा पे पोस्ट करती रहती हूँ आप उसको भी लाइक कर दिया करें। अगर मैं जैना की प्रेगनेंसी और इस प्रेगनेंसी को मैं अगर कंपेयर करूँ तो मुझे काफ़ी सारे मतलब मैं कहूँगी कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगी। जहना जो थी वो ऑफकोर्स जब वो हुई थी तो मैं आज से 7 साल पहले तो मैं यंग थी, काफ़ी मतलब यंगर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, लेकिन
उस वक्त मेरे साथ काफी थोड़े से हेल्थ इश्यूज ऐसे थे कि एक तो मैं अंडरवेट थी, काफी अंडरवेट थी मैं. सेकेंडली मुझे आयरन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा थी जैना के टाइम पे. थर्डली वहां पर डॉक्टर्स ने जो मुझे मेडिकेशंस दी थी वो मुझे सूट नहीं कर रही थी. तो थ्रू आउट आप यकीन करें कि मेरी जितनी भी प्रेगनेंसी थी ना जैना के टाइम पे, वो मैंने बगैर दवाइयों के ही सर्वाइव किया था. तो वो काफी चैलेंजेस थे जैना के टाइम पे. लेकिन चलिए अल्लाह ताला ने फिर आराम से मेरा हो गया सारा. लेकिन मैं ये बताऊंगी कि अगर मैं उसको और इस प्रेगनेंसी को मैं कंपेयर करूँ ना तो बहुत आसानियाँ हैं. लेकिन फिर भी ऑफकोर्स अब हर, मेरी मम्मी कहती हैं हर बच्चे की अपनी एक अलग तासीर होती है, हर बच्चा अपना एक मूड और अपना टेम्परमेंट लेके आता है. तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. तो अभी माशाल्लाह काफ़ी आसानियां हैं. और एक जो बहुत बड़ी आसानी ये है कि जो जो मेडिसिन दवाइयां डॉक्टर ने मुझे यहाँ पे मल्टीविटामिन दी है, फिर सेकेंडली मैं थायराइड की दवाई वगैरह खाती हूँ. तो ओवरऑल अब की बार अगर मैं कहूँ ना तो मेरी प्रेगनेंसी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुरसुकून गुजर रही है लास्ट टाइम से. लास्ट टाइम में हाँ एक थोड़ा सा रमज़ान के आखिरी अशरे में एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है मेरे साथ कि मेरे हाथ जो हैं वो नंब हो जाते हैं पूरे हाथ. लेकिन जैना के टाइम पे तो ऐसा होता था कि मेरे हाथ पैर सब कुछ नंब हो जाते, नंब मतलब सुन हो जाते थे, सब कुछ मतलब काम करना बंद हो जाता था क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा आयरन डिफिशेंट थी, यानी मेरे अंदर खून की इतनी ज़्यादा कमी थी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार सिर्फ हाथ सुन हो जाते हैं, बाकी तो मैं फंक्शन मैं करती रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि काम करते रहें. देखें होता क्या है कि अगर आप घर को चलें, आप छोड़ दें, आप कुकिंग नहीं करिए, आप ब्लॉगिंग नहीं करिए, मगर एक बच्चा आपके साथ है, बच्चे के काम नहीं रुकने चाहिए कभी भी. वो तो मेरे ख्याल से जो मदर्स हैं वो रिलेट कर सकती हैं कि मैं क्या कह रही हूँ कि आप बीमार हैं चाहे आपको कितनी भी तकलीफ हो, देखें बच्चे का काम. तो और मेरा तो नेचर थोड़ा ऐसा है कि ऑल्दो जैना आपने काफ़ी काम अब खुद कर लेती है, अगर मैं बीमार हूँ तो इब्राहिम भी जैना को देख लेते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं, जब तक मैं जैना के काम अपने हाथ से नहीं करूँ ना मुझे सुकून नहीं आता. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा हुआ था कि शुरू के 3-4 महीने मैं कम्प्लीटली आप यकीन करें बेड रिडन हो गई थी, बिल्कुल बिस्तर से लग गई थी. मैं सारा दिन सोती रहती थी और रात भर में जागती रहती थी. तो ये जैना के टाइम पे कंडीशन नहीं थी मेरी. लेकिन फिर मैं पाकिस्तान, ऐसी कंडीशन में मैं पाकिस्तान भी चली गई. तो अब वहाँ देखें ऐसा होता है ना, यहाँ पर तो देखें इब्राहिम मुझे नाश्ता बना दिया करते थे, खाना मैं कर लिया करती थी. अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा है ना कि आप अकेले हैं. अब मैं वहाँ गई, मैं अपनी अम्मी के घर पे रही, तो मेरी अम्मी ने मुझे फिर तीनों टाइम अम्मी ने मुझे खाना बना के दिया. सेकेंडली मेरी दवाइयाँ मुझे खा के तुम स्किप नहीं करो, अम्मी ने मुझे दवाई टाइम से देना स्टार्ट करी. सेकेंडली अम्मी मुझे फ्रेश जूसेस पिलाती थी, फ्रेश शेक्स बना बना के अम्मी मुझे पिलाती रहती थी. तो माशाल्लाह पाकिस्तान में मेरी कंडीशन स्टेबल हो गई थी. फिर मैं वापस आई, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों की भी मेरे अंदर हिम्मत हो गई, रोज़े रख लिए. लेकिन लास्ट कुछ अरसे से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि फिर से मेरी कंडीशन उसी उस पर जा रही है जब मैं पाकिस्तान जाने से पहले जो मेरी कंडीशन थी. तो फिर मेरी फ्रेंड से ही बात हुई, आयशा से मेरी बात हुई, तो आयशा ने मुझे रिकमेंड किया कि तुम फ्रेश जूसेस स्टार्ट कर दो पीना और वो उसके खाना और उसके शेक्स और जूसेस बनाना स्टार्ट कर दो. तो माशाल्लाह अब ये होता है कि मैं दिन में खाने के साथ ना अब मैं फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर लेती हूँ, तभी जाके मेरे हाथ जो है वो फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं. तो अब नेक्स्ट डॉक्टर के विजिट में ज़रूर बताऊंगी कि ये एक है छोटा सा एक मसला है और आई होप ये टाइमिंग ही हो, लेकिन मैं उनको बताऊंगी ज़रूर कि ये है. अच्छा जैना बहुत ज़्यादा खुश है और थोड़ी सी कंफ्यूज भी है. और अब जैना काफ़ी वोकल हो गई थी कि उसके सिबलिंग किधर है, जैना पूछती रहती थी, सबके हैं मेरे क्यों नहीं है घर के अंदर, और मेरी भी एक सिस्टर होनी चाहिए. और जैना ऐसे हर वक्त ऐसे ही बात करती रहती थी अब हमसे ना. तो अब जैना को हमने बता दिया है और खुश है बहुत ज़्यादा और कहती है कि बेबी का जितना भी सामान होगा वो अपनी मर्जी से लेगी और कलर्स वो खुद डिसाइड करेगी कि कौन से कलर की चीज़ें आएंगी घर के अंदर बेबी के लिए. तो हमने कहा ठीक है, अभी से मैं उसका एक माइंडसेट बना रही हूँ कि बेटा बहुत जल्दी घर में एक फैमिली मेम्बर की आमद है और आपको अपना माइंड थोड़ा सा रेडी रखना है. हो सकता है मम्मी डैडी थोड़े से बिजी हो जाएं और अब जो है वो हम जैसे कभी हम बेड पे हम लेटे होते हैं, मैं जैना को सुला रही होती हूँ, कहती हूँ देखो बेटा अब ऐसा होगा कि बेबी बीच में होगा, आप साइड पे होगी, ऐसे करके ना. तो थोड़ा कभी सोच में चली जाती है लेकिन ज़्यादातर वो खुशी का ही इजहार करती है. और मैं उसको कहती हूँ कि अब आपने मामा की हेल्प करनी है, हम बेबी के कपड़े सिलेक्ट करेंगे, हम बेबी को ऐसे सुलाएंगे. तो वो कहती है कि हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगी और वो खुश है बहुत ज़्यादा और पूछती रहती है बेबी अब कब आ रहा है, बेबी कब आ रहा है, बेबी कब आ रहा है, ऐसे करके ना. तो बार बार यही सवाल करती रहती है. तो बस अल्लाह ताला हिम्मत दे
और जहना के मामले में थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि इतना माशाल्लाह लंबा अरसा, 7 साल देखें बहुत बहुत बड़ा अरसा होता है, जैना को जितना प्यार और अटेंशन मिला है ना, कि मुझे नए आने वाले से ज्यादा मुझे इस चीज से डर लग रहा है कि पता नहीं जैना उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। क्योंकि जैना को सिर्फ घर में मैंने और इब्राहिम ने तो बहुत चले, हम तो माँ बाप है, हम तो प्यार करते हैं, लेकिन इसको हद से ज्यादा प्यार ननियाल और ददियाल दोनों साइड से मिला है। तो वो थोड़ा सा उस मोड में रहती है कि मैं बहुत लाडली हूँ सबकी, हर कोई मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मुझे थोड़ा उस चीज का भी डर लग रहा है कि अब ऑफ कोर्स जब छोटा बच्चा घर में आता है तो हर कोई भी छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करता है, तो मैं थोड़ा उस चीज से भी थोड़ा सा घबराई हुई हूँ कि ऐसा ना हो कि जैना इस चीज को थोड़ा सा इतना पॉजिटिवली ना ले कि हर कोई बेबी को ही क्यों प्यार कर रहा है, मुझसे प्यार नहीं कर रहा, और ऐसे तो वो अलग हमें एक प्रेपरेशन करनी है। तो अभी से मुझे आयशा ने समझाया कि देखो तुम जैना को ऐसे कहो कि अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट आ रहा है आपके लिए, तो मैं अभी से उसको समझा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, अल्लाह ताला आपके लिए गिफ्ट भेजने वाले हैं। तो ये भी एक होमवर्क मैं और इब्राहिम बैकएंड पे करते रहते हैं, उसका माइंड बना रहे हैं। और बेबी की हाँ कुछ चीजें, सॉरी मैंने आपको कहा कि हमने बेबी की तैयारी नहीं करी, सॉरी मैंने मेरी अम्मी ने बेबी के लिए कुछ चीजें, कुछ प्रेजेंट्स वगैरह हैं जो वो अम्मी ने मुझे वहीं कराची से जब मैं आ रही थी तो मेरी अम्मी ने मुझे दिए थे, इंशाल्लाह वो मैं आपको फिर बाद में ही डिस्क्लोज करूंगी। और जो जो हम बेबी की तैयारी करते जाएंगे वो हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो चले, बहुत अरसे से दिल पर ये एक मतलब एक बात थी दिल में, आज फाइनली मैंने शेयर कर दी, एंड आई होप मैंने सारी बातें कर ली हूँ, कोई बात रह ना गई हो। तो बस मेरी फैमिली को मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिए, और प्लीज दुआ करिए कि जल्द से जल्द मेरी अम्मी मेरे पास आ जाएं ताकि जो जर्नी है मेरे लिए आसान हो जाए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं जिस जिस पर रिप्लाई कर सकूँ मैं कर दूंगी, या अगर आप वीडियो के अंदर ही मैं वो उन कमेंट्स को मैं इनकॉर्पोरेट कर सकूँ तो वो मैं जरूर कर लेती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।